Hi everyone, this is Anushleka. Welcome back to my channel. So today I'm going to share another important details with you, and that is related to vacancies only. There are 258 vacancies. तो ये 258 vacancies कहाँ निकली हैं? ये निकली हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में. ये मल्टीपल पोस्ट के लिए निकली हैं, फॉर इंजीनियर्स, फॉर लीगल ऑफिसर्स. तो यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट हैं, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर लीगल ऑफिसर्स, ड्राफ्ट्समैन एंड इंजीनियर्स के लिए भी है. तो बेसिकली यहाँ पे एक सेक्शन है जूनियर लीगल ऑफिसर, उनके लिए पोस्ट दी है. सो आई थॉट आई शुड शेयर दिस वीडियो विद यू ताकि आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें. तो ये 258 वैकेंसीज जो हैं वो कैटेगराइज की गई हैं अकॉर्डिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एंड उसके ही अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पोस्ट भी हैं. तो इसी के बारे में आपको मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी. सो स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल एंड डोंट मिस दिस वीडियो एज वेल, और इसे स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी. तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है ऑन 19th of July से फिल होना, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 18th of August. तो आपके पास काफ़ी सारा समय है कि आप इस पर्टिकुलर मीन्स पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. तो आप इसे मिस आउट मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा मौका है ताकि आप अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो ग्रैब कर सकें. सो हम कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से इस चीज़ पे फॉरवर्ड कर सकते हैं, यही डिस्कस होगा इस वीडियो में. तो जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेके 40 साल तक है, मीन 18 साल से लेके 40 साल तक के बीच में आपको होना है, और इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए. एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? अगर आप लीगल ऑफिसर्स हैं तो आपको 10+12+LLB होना ही चाहिए, राइट? आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? urban.rajasthan.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हो गई. अगर एग्जामिनेशन के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर एक और वेबसाइट है rsvexam.in, वहाँ से भी आप गो थ्रू करके आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए. जो भी अकॉर्डिंगली आपके लिए पोस्ट एप्लीकेबल है उसके लिए आप फिल कर सकते हैं. ना ही सिर्फ लीगल ऑफिसर्स के लिए बस आप कर सकते हैं, जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए आप फिल कर सकते हैं. अगर आप कोई भी क्राइटेरिया उसे फुलफिल कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आप उसके लिए जा सकते हैं. बट ये जूनियर लीगल ऑफिसर से रिलेटेड है, और मेरा चैनल जो बेस है वो बेस है लॉ के ऊपर. सो अगर आप LLB आपने की हुई है तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है तो आप इसे मिस मत कीजिएगा. तो आपको मैंने गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट बता दी, दो वेबसाइट हैं urban.rajasthan.gov.in और एक है rsvexam.in. इसके थ्रू जाके आप ऑनलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. कुछ नहीं करना है आपको, इस वेबसाइट को खोलना है. आपको होम पेज पे रिक्रूटमेंट टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करना है. वहाँ पे क्लियरली लिखा होगा राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, उस पर क्लिक करना है. वहाँ पे आप अपनी डिटेल्स फिल आउट कर सकते हैं, अपना नाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी जो भी नेसेसरी स्कैन डिटेल्स हैं, जितनी भी डिटेल्स आपको अपलोड करनी उसे अपलोड कीजिए, उसे रीचेक कीजिए, देन उसे सबमिट कीजिए, राइट? सबमिट करने के बाद आप उसका जो प्रिंट आउट है वो भी रखिए. रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड जनरेट होगा उसे भी सिक्योर रखिए, ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए वो आप काम आ सकती है, या फिर आपको कोई भी एडिटिंग करवानी हो तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो है वो लगता है. सो सारी डिटेल्स आप कंप्लीटली आपकी फोटो सिग्नेचर सब कुछ अपलोड कीजिए उसमें, एंड देन सबमिट कीजिए, री चेक करके देन सबमिट कीजिए. एंड जो भी डिटेल्स उस नोटिफिकेशन में आप उस वेबसाइट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दो वेबसाइट आपको बताई गई हैं. तो नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, किस किस लीगल पोस्ट के लिए, किस किस पर्टिकुलर, इसकी एग्जामिनेशन फीस क्या है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे. तो नंबर ऑफ पोस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम एग्जामिनेशन फीस डिस्कस करेंगे. तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए है 975 रुपीज़, फॉर OBC और या फिर EWS मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है 875 रुपीज़, एंड फॉर SC ST इट्स 775 रुपीज़. तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस है, वो आप ऑनलाइन मोड में ही पे कर सकते हैं जब आप ये फॉर्म फिल करेंगे, राइट? तो अब हम जाते हैं इसकी नंबर ऑफ जो पोस्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो नंबर ऑफ पोस्ट हम कैसे, नंबर ऑफ पोस्ट 258 जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट निकली है उसे कैटेगराइज किया गया है, और लीगल ऑफिसर्स, जूनियर लीगल ऑफिसर्स के लिए कितनी पोस्ट है ये भी हम जानेंगे. सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड लेट्स गो थ्रू दैट नोटिफिकेशन एज वेल दैट इज गिवन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द राजस्थान हाउसिंग बोर्ड. लेट्स गो थ्रू दैट. So as you can see there are multiple posts: assistant programmer, information assistant, project engineer, civil degree, project engineer, junior engineer, civil diploma, project engineer, electrical degree for junior engineers, senior draftsman, junior draftsman, legal assistant, junior accountant and junior assistant.
सो असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए है 6 वैकेंसीज़, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 8 वैकेंसीज़, प्रोजेक्ट इंजीनियर फॉर सिविल विद सिविल डिग्री इज 40 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा 60 वैकेंसीज़ हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिग्री के साथ आपके लिए 11 वैकेंसीज़ हैं, सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए हैं 4 वैकेंसीज़, जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए 10 वैकेंसीज, लीगल असिस्टेंट के लिए है 9 वैकेंसीज, जूनियर अकाउंटेंट के लिए 50 वैकेंसीज एंड जूनियर असिस्टेंट के लिए है 50 वैकेंसीज। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 258। तो लीगल असिस्टेंट्स के लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 9 वैकेंसीज है, सो देर आर ओनली 9 पोस्ट फॉर लीगल असिस्टेंट, बट यू कैन अप्लाई फॉर द राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो अभी नोटिफिकेशन निकला है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी फॉर योर फ्यूचर बेनिफिट्स। अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन इन 10+2 विद ओ लेवल सर्टिफिकेट्स और COPA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन RSCIT, या फिर जूनियर अकाउंटेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो बैचलर डिग्री या फिर CS और CA एंड ओ लेवल सर्टिफिकेट होना कंपल्शन है। अगर जूनियर लीगल ऑफिसर्स के लिए आप जाते हैं तो बैचलर डिग्री इन लॉ कंपल्शन है, जूनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए जाते हैं तो 3 ईयर्स पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप और ड्राफ्ट्समैनशिप सर्टिफिकेट इन सिविल, ये कंपल्शन है। सीनियर ड्राफ्ट्समैन के लिए अगर आप जाते हैं तो 10+2 इन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप और 3 ईयर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप या फिर सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, ये होना कंपल्शन है। मतलब ये सारे जो डिप्लोमा की सर्टिफिकेशन है वो कंपल्शन है फॉर सीनियर ड्राफ्ट्समैन। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए BE या BTech की डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन या फिर IT और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर A लेवल सर्टिफिकेशन एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस होना कंपल्शन है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बैचलर्स डिग्री होना इंपॉर्टेंट है या हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT, ये कंपल्शन है ये सारी डिग्रीज होना। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए सिविल डिग्री के साथ BE/BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कंपल्शन है, प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल डिप्लोमा के साथ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कंपल्शन है एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिग्री के साथ BE/BTech की डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपल्शन है। आपकी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होना चाहिए एज ऑफ 1 जनवरी 2024। सो ये है टोटल नंबर ऑफ 258 वैकेंसीज जो यहाँ पे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने निकाली है उसके रिगार्डिंग सारी अपडेट। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट अपडेट ऑन माई यूट्यूब चैनल, डोंट मिस आउट दिस वैकेंसीज गाइस, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरीवन टू वन वांट्स टू ग्रैब द चांस दैट दे हैव एंड देर आर 258 वैकेंसीज, मल्टीपल पोस्ट, यू कैन अप्लाई फॉर दैट, गो फॉर दिस, ऑल द बेस्ट। आप नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो किसी और को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। आपको एग्जामिनेशन पैटर्न भी मैं बता देती हूँ ताकि वो मिस आउट आप ना करें। तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम आप क्लियर कर लेते हैं, देन होगा आपका स्किल टेस्ट या इंटरव्यू, देन जैसे ही स्किल टेस्ट या इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हैं, ये दो फेज आप क्लियर कर लेते हैं, फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाता है, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। सो ये 4 स्टेप्स में ये चीज़ें होंगी, देन आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम्स। तो जाइए, हरी अप, 258 वैकेंसीज हैं, 1 महीने का टाइम है कंप्लीट, आप एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप अप्लाई भी कर सकते हो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर सच मोर इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन लाइक दिस एंड फॉर फ्यूचर अपडेट्स। बाय एवरीवन।